नमस्कार, मैं पापिया इंगलकर KMTV में आपका स्वागत करती हूँ। महिला सशक्तिकरण क्या है और इसकी जरूरत क्यों है, आइए जानते हैं विस्तार से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिलाएं शक्तिशाली बनती है, जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले को स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि प्राचीन समय से भारत में लैंगिक असमानता थी और पुरुष प्रधान समाज था। महिलाओं को उनके अपने परिवार और समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई और पारिवारिक और समाज में भेदभाव भी किया गया। ऐसा केवल भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देशों में भी दिखाई पड़ता है। महिलाओं के लिए प्राचीन काल से समाज में चले आ रहे गलत और पुराने चलन को नए रीति रिवाजों और परंपरा में ढाल दिया गया था। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवी को पूजने की परंपरा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल महिलाओं को पूजने से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जाएगी। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानी महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए, जो देश के विकास का आधार बनेगी। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले लैंगिक असमानता और बुरी प्रथाओं को हटाने के लिए सरकार द्वारा कई सारे संवैधानिक और कानूनी अधिकार बनाए और लागू किए गए हैं। हालांकि ऐसे बड़े विषय को सुलझाने के लिए महिलाओं सहित सभी का लगातार सहयोग की जरूरत है। आधुनिक समाज महिलाओं के अधिकार को लेकर ज्यादा जागरूक है, जिसका परिणाम हुआ कि कई सारे स्वयंसेवी समूह और NGO आदि इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। महिलाएं ज्यादा खुले दिमाग की होती है, सभी में अपने अधिकारों को पाने के लिए सामाजिक बंधनों को तोड़ रही है। हालांकि अपराध इनके साथ साथ चल रहा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए KMTV। धन्यवाद।